कश्मीर न्यूज़ सर्विस प्रेजेंट। ये भी विचार हुआ कि यहाँ पर दोबारा से डिलिमिटेशन करवाया जाए और वो डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पर हो, उसका हमने स्वागत किया था और इंतजार कर रहे थे। अब डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बन चुका है, उसकी मीटिंग्स हो रही हैं और उन्होंने व्यूज तमाम लीडरों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से और बाकी लोगों से भी वो व्यूज मांगे हैं। आज मैं डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर, जो तमाम डोगरों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम डोगरों की एक सांझी जमात है, उसके प्ले और सबसे पुरानी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके प्लेटफॉर्म से मैं सबको अपील कर रहा हूँ आपके माध्यम से। तमाम जितने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जम्मू को जो बिलोंग करते हैं, जम्मू रीजन को, तमाम सोशल धार्मिक ऑर्गेनाइजेशनों के, तमाम इंटेलेक्चुअल, उनको अपील कर रहा हूँ कि आओ, अब जो व्यूज देने हैं ये अलग अलग ना हों जम्मू के, आओ यहाँ इकट्ठे होकर हम पूरा इसकी डेलीग्रेशन के बाद एक व्यू पॉइंट बना के तमाम पार्टियों के लीडर अपने अपने ढंग से पेश करें, लेकिन एक व्यू पॉइंट बना के हम दें कि कितनी सीटें जम्मू को, जम्मू डिजर्व करता है, मिलनी चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हैं चाहे वो असेंबली के अंदर हैं। और ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि 70 साल हम कहते रहे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का एक तरीका जो था सबसे बड़ा ये था कि असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ में वो दम न हो, कम स्ट्रेंथ होने की वजह से, जिसकी ज़रूरत थी उस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ने के लिए। आज ये फिर मौका आया है और मैं सब लीडरों से अपील करता हूँ, अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, इकट्ठे पॉइंट ऑफ व्यू अपना नहीं रखा, और ये इंसाफ नहीं होगा और इसके कसूरवार हम होंगे और कोई नहीं होगा। अगली जनरेशन जो है उसको हक होगा हमसे इंसाफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।